तो एक एडजस्टमेंट है हमारा, एडजस्टमेंट नंबर 10, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। और इस एडजस्टमेंट को देखते हैं और फिर टू बी कंटिन्यू आगे करते हैं कि किस तरीके से हम इसमें देखेंगे। अभी तक हमने कौन कौन सा एडजस्टमेंट कर दिया? क्लोजिंग स्टॉक का कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस कर लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर लिया, बैड डेट्स कर लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कर दिया, दोनों को मिक्स करके कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कर लिया, तो और डेप्रिसिएशन का कर लिया, डेप्रिसिएशन का हाँ कर लिया है, अभी तक ये एडजस्टमेंट किया है। अब इस एडजस्टमेंट को वैसे मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट मैं इसलिए कहूंगा, इसे ध्यान से देखना आप, जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है, हम जनरली एडजस्टमेंट उसी पॉइंट को नाम देते हैं। अगर मैंने यहां पे ये आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस, और यहां मैं डेबिट लिख दूं और क्रेडिट लिख दूं, और यहां पर्टिकुलर, और सपोज करो मैंने यहां पे लिखा लोन, और लोन मैं क्रेडिट में लिख दूं तो इसका मतलब लोन लिया है, वो आ गया मेरा सपोज करो 50,000। और एडजस्टमेंट हम जनरली किसको बोलते हैं? अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर मैं कोई इंफॉर्मेशन लिख दूं, पॉइंट नंबर वन, जैसे लिख दूं इंटरेस्ट ऑन लोन 10% पर एनम, तो बोलोगे सर हाँ ये एडजस्टमेंट है। मैंने बोला कि आपको कैसे पता चला कि ये एडजस्टमेंट है? आपने बोला सिंपल सर, फर्स्ट क्लास में ही तो आपने समझाया था कि ट्रायल बैलेंस के बाहर जब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो वो किसका काम करती है? एडजस्टमेंट के। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, आपको याद है कि इसे एडजस्टमेंट बोलेंगे, लेकिन सर इस एडजस्टमेंट को करना है, कैसे नहीं करना वो तो हम देखेंगे, लेकिन पहले समझ तो ले क्या एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट क्या है। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इसको यहां पे नहीं लिखता, इसको इस तरीके से लिख देगा 10% लोन। तो कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी परसेंटेज दे दे तो वो उसी के इक्विवेलेंट माना जाता है जैसे कि बाहर लिखा है, भले ही मैंने बाहर नहीं लिखा, परसेंटेज कहां गिवन है? ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है, ये भी एडजस्टमेंट का पार्ट माना जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट क्या एग्जामिनर आपको बता रहा है कहीं पे कि ये एडजस्टमेंट है? नहीं, आपको खुद समझना पड़ेगा जी ये तो एडजस्टमेंट का पार्ट है, तो बता नहीं रहा, आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने इसको नाम क्या दे दिया, ये कौन सा एडजस्टमेंट माना जाएगा? हिडन, यानी एग्जामिनर नहीं बता रहा, आपको समझना पड़ेगा। यानी कोई भी ऐसा पॉइंट हो जिसके आगे परसेंटेज गिवन हो उस पर एडजस्टमेंट होगा। सर एडजस्टमेंट क्या होगा? एडजस्टमेंट का मतलब इस 10% का मतलब है इसके ऊपर ब्याज। अब इसके ऊपर ब्याज देंगे या लेंगे बताओ? लोन है, ये क्या है हमारा लोन, लोन लिया है या दिया है? मैंने लोन लिया है तो मेरे ऊपर कर्जा है, तो मैं ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज सिंपल सा पॉइंट है। तो अगर इसके ऊपर मैं आपको बोलूं आप ब्याज निकाल के बताओ तो आप बोलोगे सर सिंपल है 5,000 रुपए। मैंने बोला कैसे? आपने बोला कि 10% निकाल दिया किसका, 50,000 का, तो हमारा आ गया कितना, 5,000 रुपए। अगर ये 5,000 रुपए मैं ब्याज की बात करूं, इंटरेस्ट है, तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है या इनकम? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या आपको इंटरेस्ट का नाम का कोई एंट्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब इंटरेस्ट देना भूल गए, इसका मतलब इंटरेस्ट देना भूल गए हैं। तो ये अपने आप में किसका पार्ट बन गया? एडजस्टमेंट का। सेम अगर मैं क्या करता कि मैं यहां पे इंटरेस्ट लिख देता 5,000, तो बताओ कैलकुलेशन में इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 5। क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट है? कितने का है? यानी अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमारा सब काम ठीक चल रहा है, समझ में आई बात? तो एडजस्टमेंट कब होता है? एक तो परसेंटेज गिवन होगा तो एडजस्टमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं, हमें चेक भी करना पड़ेगा एडजस्टमेंट क्या है, इसके ऊपर इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट पहले से ही ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एडजस्टमेंट है, और नहीं भी, लेकिन अगर एडजस्टमेंट दिया ही नहीं, मतलब इंटरेस्ट आपका दिया ही नहीं ट्रायल बैलेंस में, तो अब तो 100% एडजस्टमेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट देना चाहिए। मैंने बोला अगर इंटरेस्ट इसके अंदर गिवन है तो एडजस्टमेंट है और नहीं, नहीं कब? 5,000 ब्याज बनता है, आपने पूरे कितने दिखाए? 5,000 रुपए दिखा दिए, तो इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं बनता।
लेकिन मैं इंटरेस्ट को दिखा दूं कितना, सपोज 4000, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस लोन के ऊपर मुझे 5000 का ब्याज देना चाहिए था, जिसमें से 4000 ट्रायल में का मतलब क्या है, जो ट्रायल बैलेंस में देते हैं, तो इसका मतलब होता है हमने पेड कर दिया। कितना पेड कर दिया तो बताओ, एडजस्टमेंट क्या है इसमें? 1000 रुपए का एडजस्टमेंट। 1000 रुपए दिया या नहीं दिया? आपने बोला नहीं दिया। तो जब कोई एक्सपेंस को पेमेंट नहीं करते तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट क्या है, समझ में आया? हिडन एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई लोन या इन्वेस्टमेंट का पॉइंट गिवन हो तो उस पर परसेंटेज होगा, उस परसेंटेज को हमें कैलकुलेट करके समझना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। अब परसेंटेज की बात के बाद यहां डेट भी हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया 30/9/2018, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब है कि 10% वाला लोन जो है वो 30/9 को लिया गया। अब आप चेक करिए कि आपको अकाउंटिंग कब से कब करना है। मैंने बोला जी अकाउंटिंग आपको करना है 1/4/2018 से लेके 31/3/2019 तक का। आपने लोन कब लिया? कहीं बीच में। कब लोन लिया बीच में? किस डेट पे? 30 सितंबर। आप अगर इस डेट पे लोन लेते हो तो आपकी लाइबिलिटी यानी आपका जो ब्याज देना बनता है, इस डेट के बाद पे ब्याज दें या पहले पे? जब लोन लेंगे उसके बाद पे ब्याज दें। तो अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कितने टाइम का होगा? सिर्फ 6 मंथ का। और 6 मंथ का मैं अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो 50,000 पे 10/100 एंड 6/, जो आ गया आपका 2500। करेक्ट आंसर इज 2500। ठीक है, तो क्या इस डेट का कोई इंपॉर्टेंस है भी या नहीं है? है। समझ में आ रहा है क्या इंपॉर्टेंस है? क्या इस परसेंटेज का कोई इंपॉर्टेंस है? यानी जब कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई डेट दे दे या परसेंटेज दे दे तो वहां पे एडजस्टमेंट इन्वॉल्व होगा। इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? तो इस केस में 2500। अब मुझे बताना इस 2500 रुपए का इस ट्रायल बैलेंस को देख के पता लग रहा है पेमेंट किया या नहीं किया? बताओ, इस 2500 रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। जवाब आएगा सर अगर पेमेंट होता तो ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट हमें दिखता, जबकि ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट तो, इसका मतलब क्या इस इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है? नहीं हुआ। सिंपल जवाब। तो इसका मतलब ये किस चीज का पार्ट माना गया? 2500 नहीं दिया तो ये हमारा एक एडजस्टमेंट बन गया। ये हमारा क्या बन गया? एक एडजस्टमेंट बन गया। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट आपको? लेकिन मैं अगर यहां पे क्या करता, इंटरेस्ट लिख देता 2000, बताओ अब क्या एडजस्टमेंट है? 500 रुपए का एडजस्टमेंट होना बाकी है, क्योंकि टोटल ब्याज कितना पेमेंट करना था हमें? 2500, जिसमें से 500 रुपए का ब्याज हम दे सॉरी जिसमें से 2000 रुपए का ब्याज हम, कैसे कह सकते हो कि आपने 2000 का ब्याज दे दिया? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें लिखा होता है, काम कंप्लीट हो चुका है, डन, सारी कैलकुलेशन डन हो चुकी है। तो 2000 का दे चुके तो 500 रुपए का यहाँ एडजस्टमेंट होगा, जिसका क्या एडजस्टमेंट करेंगे वो हम देखेंगे। पहले समझ तो ले हमें किस पॉइंट पे एडजस्टमेंट लेके जाना है। ठीक है ना? सपोज करो मैं यहां पे लिख दूं 2500। अब बताओ कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। मैंने यहां कुछ नहीं लिखा तब भी आपने बोला जी एडजस्टमेंट है। मैंने यहां पे सेम अमाउंट, कम अमाउंट लिखा तब भी बोला जी एडजस्टमेंट है। सेम अमाउंट लिखा तो एडजस्टमेंट। अब बताना मुझे, मैं यहां पे लिख दूं, अब इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा पेमेंट कर दिया, क्योंकि यहां का मतलब मैंने बताया था पेड। देना कितना था? दे कितना दिया? 3000, यानी 500 रुपये ज्यादा। जब 500 रुपये ज्यादा दे दिया तो हमारे लिए क्या माना जाएगा? एसेट्स प्रीपेड होगा। वो जनरली क्या होगा हमारा? प्रीपेड। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो हमारा टॉपिक क्या है? हिडन एडजस्टमेंट, और किसके ऊपर होगा? लोन पे। हिडन एडजस्टमेंट क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन होगा उसके बाहर क्या गिवन होगा आपको? रेट गिवन होगा। इसी रेट से हमें पता चल जाएगा कि जी ये किस चीज का पार्ट है हमारा? एडजस्टमेंट का पार्ट है। चलिए देखते हैं।
अगर आपका ट्रायल बैलेंस के गिवन अंदर गिवन है तो एक ही हम पॉइंट करेंगे सिर्फ, हम इसे दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और किस साइड? डेबिट साइड। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये क्यों दिखाया है? क्योंकि भाई ये तो खर्चा है कि नहीं? क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो कहां दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्लियर? अगर एडजस्टमेंट में हुआ तो दो जगह एंट्री ले जाएंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और एक बैलेंस शीट में जाएगा। एक जाएगा हमारा बैलेंस शीट में और एक जाने वाला है हमारा कहां? प्रॉफिट। अब आप मुझे बताना, बैलेंस शीट में कहां जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। बिल्कुल सही आंसर, लाइबिलिटी में। किस नाम से जाएगा? आउटस्टैंडिंग के नाम से, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से। क्या समझ में आ रहा है? लेकिन पीएनएल में ना समस्या है, या तो इंटरेस्ट में ऐड होगा, या तो इंटरेस्ट में ऐड होगा, या तो फुल अमाउंट दिखाया जाएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से। अब कब इंटरेस्ट में ऐड करें और कब फुल दिखाएं? मान लो मैंने 10% लोन लिखा, 50,000 डेट नहीं है, तो इसका मतलब लोन साल के शुरू से है, ठीक है? मैंने बताओ यहां कोई ब्याज वगैरह नहीं लिखा, तो क्या इस पे एडजस्टमेंट है? पहले तो आप ये डिसाइड करो, इसमें एडजस्टमेंट है या नहीं है? है। कैसे पता चला? इसके आगे परसेंटेज है। एडजस्टमेंट किस चीज का है यहां पे? यहां पे इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है, जो कि बताया आपने सर यहां पे तो 5,000 रुपए का ब्याज होगा। समझ में आ रही बात आपको? क्या 5,000 रुपए का पेमेंट किया मैंने? नहीं किया। इट मीन्स इस 5,000 रुपीज पूरा एडजस्टमेंट का पार्ट है। तो ये फुल अमाउंट कहाँ आ जाएगा? हमारा 5,000 पीएनएल में, और दूसरा कहाँ चले जाएगा? बैलेंस शीट के। समझ में आया? ये फुल अमाउंट आउटस्टैंडिंग के नाम से आ जाएगा। समझ में आया फुल अमाउंट क्यों बोल रहा हूँ? दूसरा एग्जाम्पल, यहां तक समझ में आया आपको? प्रॉपर फुल अमाउंट क्यों बोला मैंने? दूसरा एग्जाम्पल, अगर बाय चांस मैं यहां इंटरेस्ट लिख दूं, इंटरेस्ट लिख दूं मैं, सपोज करो 3,000 रुपए। अब बताओ क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस में जो 3,000 है, अब मैं इसका पीएनएल बना के दिखाता हूं, पीएनएल बना के दिखाता हूं, फिर और क्लियर हो जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस में हमारा इंटरेस्ट है 3,000, कहां जाना चाहिए ट्रायल वाले बैलेंस वाला इंटरेस्ट? बताओ, ट्रायल बैलेंस वाला कहां जाना चाहिए? बताओ, पीएनएल के। तो ट्रायल बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से चलेंगे, चाहे कुछ भी हो रहा हो। मैंने लिखा पीएनएल के डेबिट साइड में इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अमाउंट लिख दिया मैंने 3,000 रुपए। कोई गड़बड़ी है क्या इसमें? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? मैंने ट्रायल बैलेंस से लिखा तो यहां पे नहीं दिक्कत, सिंपल यही होना ही चाहिए। अल्टीमेटली क्या हुआ, मुझे बाद में पता चला यार टोटल इंटरेस्ट तो कितना था। देन हमें क्या करना चाहिए? इसमें ऐड कर देना चाहिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से। कितना? पूरे 5,000 या 2,000? ओनली 2,000। समझ में आया ये? अब ऐड इन इंटरेस्ट, तो ऐड कब करेंगे? जब पहले से कुछ अमाउंट दे रखा हो तो डिफरेंस लेके ऐड कर देंगे। अब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखा देंगे। बताओ 5 दिखाए, 2 या 3? सिर्फ 2,000। आउटस्टैंडिंग कितना होगा हमारा? 2,000 रुपए होगा। समझ में आया? तो आउट इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, तो अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो पीएनएल में जाएगा। एक पीएनएल में कहाँ जाएगा? या तो ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट में। ऐड कब होगा? जब पहले से इंटरेस्ट होगा तभी तो ऐड करोगे, और पहले से इंटरेस्ट तभी हो सकता है जब ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो। या तो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं था तो ऐड तो कहीं कर नहीं सकते, तो पूरे अमाउंट को दिखा देंगे किस नाम से? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से। दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में एज एन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से शो हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो कहां चलेगा? पीएल के डेबिट साइड। एक एक्स्ट्रा वाला भी दिखाया था, वो बस आप मैं ऐसे ओरली बता देता हूं। अगर मान लो यहां पे मैं पेमेंट दिखा दूं 6,000, तो 6,000 दिखाऊंगा तो पीएनएल में कितना लिखूंगा मैं? 6, 1,000 एक्स्ट्रा है ना, तो 1,000 यहां से क्या होना चाहिए? माइनस प्लस। और सेकेंड एंट्री इसकी कहां पे? एसेट साइड दिखा देंगे, जो कि कॉमन है। जनरली ऐसा होता नहीं कि मेरा ब्याज 4 बन रहा हो और मैं 6 दे दूं किसी को जाके, ऐसा तो होता नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट तो बनता है, प्रीपेड वाला एग्जामिनर दे दे तो हो सकता है, रियल लाइफ में बहुत रियल केस होता है देखने को मिले। समझ में आया?
चलिए अब ये था एडजस्टमेंट नंबर 10। 10 के बाद हम देखेंगे एडजस्टमेंट 11। एक बार पहले इसको नोट करिए, फिर एडजस्टमेंट 11 देखते हैं। इसके अंदर आप थोड़ा और ऐड कर देना, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की दरोगा डेबिट साइड में रहेगा, बस इस बात का ध्यान रखना है अपने, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ध्यान से देखेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 11। मैं आपके सामने ट्रायल बैलेंस बनाता हूं, अब ट्रायल बैलेंस में आपको अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि कब एडजस्टमेंट है कब नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जब किसी के पास भी एक्स्ट्रा पैसा बच जाए सारा काम करके, तो वो कहीं ना कहीं जमा कर देता है, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कई बार हम ना बैंक वगैरह में भी कर देते हैं, तो वहां फिक्स डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है इन्वेस्टमेंट। आपके घर में भी आपने देखा होगा एफडी वगैरह, जिसको एफडी भी बोल देते हैं कई बार, तो उस पे ना हमें ब्याज मिलता है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा है 10% एफडी, तो बताओ आपके घर वाले अगर एफडी डिपॉजिट करवाते हैं तो लाइबिलिटी है उनके लिए, एसेट्स है? एसेट्स है, क्योंकि वो ले लेंगे बाद में बैंक से, मान लो 50,000 का, सेम एग्जाम्पल रखते हैं। अब सिंपल मुझे बताना, पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी, पॉइंट ऑफ व्यू फर्म के एडजस्टमेंट है या नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके आगे रेट आ गया। अब रेट का मतलब यहां पे क्या कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेट होगा? अब समस्या आपको, मेरी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरेस्ट देना है फिर या इंटरेस्ट लेना है, बताओ। लेना है, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, के इंटरेस्ट हमें लेना है, क्योंकि मैंने एफडी किया है तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट लेना है। यहां तक समझ में आया पॉइंट? अब यहां पे क्या मैंने इंटरेस्ट ले लिया है? नहीं लिया। अगर लिया होता तो मुझे ट्रायल बैलेंस के लिखा होता। अगर मैं बोलूं मेरा इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट रिसीव बनता है टोटल 5,000, तो मैं क्या गलत बोल रहा हूं यहां पे? नहीं, 5,000 ये एडजस्टमेंट का पार्ट है मेरा 5,000। लेकिन अगर मैं यहां पे इंटरेस्ट लिख देता तो बताओ मैं इंटरेस्ट कहां लिखता? क्रेडिट में 5,000। तो अब बताओ क्या एडजस्टमेंट है? मुझे इंटरेस्ट लेना कितना चाहिए था और जबकि मैं रिसीव कितना कर चुका हूं, तो नो इट इज नॉट एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट का पार्ट। लेकिन अगर मैं यहां लिखूं 4,000 तो बताओ है क्या एडजस्टमेंट है? 1,000, 1,000 रुपये मुझे और लेने होंगे। तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन वाले का जैसा ही है सारा कॉन्सेप्ट, लेकिन डेबिट क्रेडिट में बस फर्क आएगा। अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो तो, क्योंकि ये इनकम है तो पीएनएल के किस साइड लिखेंगे? क्लियर? और अगर इन एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो एक तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएंगे और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड, और इसके ऊपर इंटरेस्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। एसेट्स में किस नाम से दिखाएंगे? एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। और ट्रायल पीएनएल के अंदर दो पॉइंट हो सकता है, या तो हम फुल दिखा दें या फिर हम ऐड कर दें इन इंटरेस्ट, ठीक है ना? अब मैं दोनों का एक एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे सपोज करो मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया तो इसका मतलब पूरा ही बाकी है। तो एक तो पीएनएल मैं बनाऊंगा तो मैं पीएनएल के अंदर किस साइड दिखाऊंगा? सपोज करो ये मेरा पीएनएल है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड दिखाऊंगा? बाई साइड में। किस नाम से? एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। मैं दिखाऊंगा यहां पे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है? और एक्रूड इंटरेस्ट से कितना दिखाऊंगा मैं? पूरे 5,000 रुपए। समझ में आए क्या? इसकी डबल एंट्री करनी चाहिए क्या हमें? बताओ, पहले बताओ, मेरा क्वेश्चन ये रहा, एडजस्टमेंट है क्या डबल एंट्री करनी चाहिए? करनी चाहिए। दूसरी एंट्री कहां ले जाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट की? बैलेंस शीट के एसेट साइड ले जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, मे बी मैं पहले से यहां पे इंटरेस्ट दिखा दूं आपको, और मैंने इंटरेस्ट यहां पे दिखा दिया सपोज करो 2,000 रुपए, तो पहले जो इंटरेस्ट दिखा रखा है वो तो ट्रायल में है, तो ट्रायल को तो इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो मैंने यहां बाई साइड में इंटरेस्ट दिखा दिया और इंटरेस्ट कितने का दिखा दिया, लेकिन हिसाब किताब लगाएं तो बनता कितना है? इसका मतलब 3,000 रुपये और मुझे इसमें ऐड करना चाहिए। तो मैं पीएनएल के क्रेडिट में क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा एक्रूड
इंटरेस्ट कितने ऐड कर दूंगा, एक्रूड इंटरेस्ट 3000, क्लियर, 3000 रुपये इंटरेस्ट एक्रूड कर देंगे। क्या ये 2000 एडजस्टमेंट का पार्ट है या 3000? 3000, तो 3000 की डबल एंट्री करनी चाहिए हमें। 3000 कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के, क्लियर। अगर डेट होता है इसके नीचे गिवन, तो जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू डेट, अकॉर्डिंग टू डेट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यानी 2 मंथ हो सकता है, 5 मंथ हो सकता है, 9 मंथ हो सकता है, उसके हिसाब से आपको आना चाहिए कैसे निकालेंगे, क्लियर। तो चलिए आप नोट करिए, हिडन एडजस्टमेंट का पार्ट टू है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। किसी इन्वेस्टमेंट पे अगर इंटरेस्ट मिले तो कैसे करेंगे। अभी हमने आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किया था, अब इसके बाद देखते हैं हम कौन सा एसेट्स इंक्लूड इन परचेज, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। वैसे इसका अगर मैं करने का, जैसे देखो मेरा पैटर्न है, मैं उसी तरीके से लिखवाऊंगा कि अगर गीवन हो एडजस्टमेंट में तो क्या करेंगे और गीवन हो ट्रायल में, तो इस तरीके का हमारा पैटर्न चलता आया था। लेकिन अब ट्रायल में ये पॉइंट तो नहीं गीवन होगा, ये गीवन हो सकता है सिर्फ एडजस्टमेंट में। अब वो पैटर्न नहीं है, अब इस एडजस्टमेंट से मैं चेंज करूंगा, या गीवन ट्रायल या एडजस्टमेंट में नहीं होगा, कहां? सिर्फ एडजस्टमेंट में। तो दो एंट्री करेंगे, कहां कहां दो एंट्री करेंगे वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। पहले ये देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखो सपोज करो आप मुझे बताना, मैं एक आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके बताता हूँ, आप बताना गलती करी या नहीं करी, और गलती करी तो क्या गलती करी और उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा ये बताना। मान लेते हैं एक पर्सन है, मिस्टर राम, और इसका एक बिजनेस है। ध्यान से सुनना आप, देखते हैं सबसे करेक्ट आंसर कौन देता है इसका। ये इसका बिजनेस है और बिजनेस किसका है? स्टेशनरी का है। यानी ये बुक्स, पेंसिल, रजिस्टर, ये सब सोल्ड आउट करता है। राम क्या करता है? सबसे अगर मैं पहले पॉइंट बताऊं तो राम का क्या काम है? दुकान पे बैठना, और दुकान पे बैठ के क्या करना? कस्टमर को हैंडल करना, सामान देना। लेकिन ये बहुत परेशान है जब से जीएसटी आया है। जीएसटी आया है तब से परेशान है। किस बात को लेके? अब अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, कंप्यूटर पे एंट्री करना पड़ेगा। हाथ से पहले तो क्या करते थे? पर्ची बना के दे देते थे, लेकिन अब बिल देना पड़ेगा, तो इस बात को लेके परेशान है ये। तो इसको किसी ने सजेस्ट किया कि यार जीएसटी आया तो आप चिंता क्यों करते हो, आप कंप्यूटर ले आओ और एक आप काम कर लो, या कोई अकाउंटेंट रख लो अपनी दुकान में और उसको थोड़े से पैसे दे देना, आपका काम भी आसान हो जाएगा, एक आपका वर्कर भी हो जाएगा, सारा काम भी मेंटेन हो जाएगा। राम ने बोला आइडिया तो ठीक है, लेकिन सैलरी वगैरह देना पड़ेगा और कंप्यूटर को मुझे नॉलेज भी नहीं है। बोला आपको नॉलेज से क्या लेना देना, आपका जो अकाउंटेंट होगा, जो अकाउंटेंट होगा उसकी जिम्मेदारी होगी ना, आप देख देख के सीख लेना, जब सीख जाओगे तो निकाल देना, इसे खुद ही कर लेना आप, ठीक है। तो ये किसका का आइडिया? किसी ने इसको दिया। अब इसने बोला बात तो ठीक है, जीएसटी आ गया, अब तो करना ही पड़ेगा फॉलो, नहीं तो फिर पनिशमेंट, पेनल्टी और भी बहुत सारी, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो बोला बिना कुछ करे जेल जाना ठीक नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसके ने सोचा कंप्यूटर ले आते हैं। ये अपने दुकान का सामान जहां से लाता था, मान लेते हैं कि ये अपने दुकान का सामान लेके आता था चांदनी चौक से, या फिर आपका मान लेते हैं न्यू दिल्ली से, न्यू दिल्ली तो नहीं, ओल्ड दिल्ली, आपको पता होगा ओल्ड दिल्ली के अंदर बुक्स वगैरह जो है और बहुत सारी चीजें का सबका होलसेल मार्केट है, तो वहां से सामान लाता था अपने दुकान पे और बेचता था। ओल्ड दिल्ली में एक दुकानदार है जिससे कि इसका बहुत टाइम से सारा डीलिंग चल रहा है दुकानदार का, और इस दुकानदार की अगर मैं बात करूं तो दो दुकानें हैं, एक दुकान इसकी है स्टेशनरी की सेपरेट, और उसके साथ में एक दुकान और है इसकी, और यहां पे ये कंप्यूटर वगैरह बेचता है, कंप्यूटर बेचता है ये,
और यहां पे बेचता है वो स्टेशनरी, ठीक है। अब बेचारा राम परेशान होके यहां पे आता है और ये क्या बातें करता है राम परेशान होके कि यार मेरे दुकान पे तो काम बढ़ गया है, अब तो मैं आपसे सामान ले रहा हूं लेकिन मुझे कंप्यूटर भी खरीदने जाना है अभी यहां से आपसे सामान लेने के बाद। तो ओल्ड दिल्ली का जो ये बिजनेसमैन था मिस्टर श्याम, ये बोलता है आप कहाँ जाओगे, जब मैं बैठा हूं तो मैं दूंगा आपको कंप्यूटर, आपको कहीं जाने की जरूरत क्या है, आपको सामान लेके कंप्यूटर लेने जाना है ना तो आप मत जाओ कहीं, मैं देता हूं कंप्यूटर, हमारी दुकान साथ वाली अपनी तो दुकान है, आपको पता नहीं था क्या, आप यहीं से लो सस्ते में दिलवा दूंगा, आप तो मेरे पुराने ग्राहक हो। राम ने सोचा बात तो ठीक है, यहीं से कंप्यूटर भी ले लेते हैं। इसको बोला जाओ मेरी दूसरी दुकान में और कंप्यूटर पसंद कर लो जो भी अच्छा लगे, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, मेरा वहां पे लड़का बैठा हुआ है वो सब कुछ समझा देगा। राम ने बोला ठीक है आप मेरा सामान निकालो और फिर मैं देखता हूँ। इस दुकानदार ने अपने दुकान से जो भी था सामान सारा इसको निकाल दिया, जो भी बुक्स वगैरह था गुड्स निकाल के एक पैक कर दिया डब्बे में। राम यहाँ आता है और राम यहाँ पे आके कंप्यूटर पसंद करता है और इसको एक लैपटॉप पसंद आ जाता है, और लैपटॉप इसने डिसाइड किया कि ये लैपटॉप जो है मुझे पसंद आया है और ये लैपटॉप ये लेगा, लैपटॉप पसंद आ गया इसको। इसने क्या करा, ये लैपटॉप ले लिया और लेने के बाद इस दुकान पे अगेन आ जाता है, बोलता सर मैंने को लैपटॉप बड़ा पसंद आया आपका, मुझे तो पता ही नहीं था आपका ये काम है, और लैपटॉप लेके बोलता है चलो अब बताओ कितने पैसे देने हैं। अब जो श्याम है दुकानदार, इसने बिल बनाया, ये था टोटल 50,000 रुपये का सामान इसका, और लैपटॉप की कीमत था मान लेते हैं कि 30,000 रुपये, इतना बढ़िया नहीं लिया थोड़ा ठीक ठाक था। इसने एक बिल जनरेट किया, आपने करा है ना सब्सिडी बुक, उसमें बिल कैसे बनाते पता ही है, क्वांटिटी डेट ये सारी चीजें। एक बिल जनरेट किया और बिल जनरेट करके यहां पे नाम लिख दिया राम। राम लिखने के बाद टोटल बिल बना के दे दिया इसको 50 और 30, 80,000 रुपए का। इस बिल को ये क्या करता है, अपने अकाउंटेंट को दे देता है, अकाउंटेंट एक काम करो आप एंट्री करो, आपको जिस लिए रखा है सिर्फ वो काम करो आप एंट्री। इसने बोला ठीक है सर मैं एंट्री करता हूं। इसने बनाया एक ट्रेडिंग P&L, एक बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसने बिल इसको लाके दिया और इसने सीधा लिखा यहां पे परचेज किया है, परचेज मुझे पता है कहाँ जाना चाहिए, परचेज बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में। इसने क्या करा, सीधा परचेज लिखा, टू साइड में लिखा और 80,000 रुपये इसने लिख दिया, और अकाउंटेंट ने बोला जी आपका काम डन कर दिया है। अकाउंटेंट ने ऑल दो सारे सामान को चेक किया, एंट्री करा, सब परचेज वर्चेज सब कर दिया डन। इतना करने के बाद राम जो है इस अकाउंटेंट को डांटने लगता है, अब बताओ अकाउंटेंट की गलती क्या है, अकाउंटेंट की गलती क्या है, एसेट्स को जोड़ दिया, कहां पे जोड़ दिया उसने, परचेज में, जबकि उसे क्या करना चाहिए था, अकाउंटेंट को यहां पे कितना दिखाना चाहिए और बाकी कहां दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट के एसेट्स में। यानी गलती पता चल गई आपको इसमें क्या है, इसको ठीक किया जाए क्या, कैसे जाएगा, यहां से क्या हो और दूसरी एंट्री बैलेंस शीट के एसेट साइड में किस नाम से, कंप्यूटर के नाम से। तो देखो हमारा एडजस्टमेंट का नाम क्या, एसेट्स इंक्लूड इन, तो एसेट्स ही तो इंक्लूड है, किस में इंक्लूड है, तो इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो अभी आपने मुझे जवाब दिया सर एक काम करो ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ आप, मैंने बोला बिल्कुल ठीक मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाता हूं, वहां पे लेस कर दो, किससे, फ्रॉम किससे करूं मैं लेस, क्या समझ में आइए। आपने दूसरा जवाब दिया सर एक काम करो बैलेंस शीट में चले जाओ, मैंने बोला ठीक है बैलेंस शीट में चले जाते हैं, अब तो आपको सब पता चल गया, इसमें बैलेंस शीट में कहां दिखाओ, एसेट साइड। अब अकाउंटेंट को डांटने के बाद अकाउंटेंट जो है संभल संभल के काम करने लग गया, आगे की कहानी देखते हैं। अब संभल संभल के काम करने लग गया उसने, इसको तो ठीक तो कर दिया, अब डेप्रिसिएशन भी लगाना है, बात तो सही है कंप्यूटर एसेट्स है, एसेट्स पे तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। नीचे लिखा था एडजस्टमेंट में, इसने बोला कि भाई एक काम करो सारे एसेट्स पे 10% डेप्रिसिएशन लगा दो, तो जितने दिन एसेट्स यूज करोगे उतने टाइम का डेप्रिसिएशन लगता है, आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में सीखा है, अगर 6 महीने का यूज है तो 6 महीने, 3 महीने यूज है तो 3 महीने। अब अकाउंटेंट के माइंड में क्वेश्चन चल रहा है भाई ये एसेट्स कब खरीदा कब बेचा, इसने डेट बिल का मान लो नहीं पता,
अगर सपोज करो ये जो एसेट्स के अंदर जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है 30 सितंबर को, तब तो अकाउंटेंट को कोई टेंशन नहीं है, वो कितने महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा, 6 महीने का चार्ज कर देगा। लेकिन बिल के ऊपर डेट ही नहीं डला हुआ, उसे पता ही नहीं है कि भाई ये एसेट्स कब खरीदा गया, तो हमें ऐसे केस में अजम्पशन लेना पड़ेगा। अब अजम्पशन क्या ले, या तो मान लो शुरू में खरीदा है, या मान लो साल के एंड में खरीदा है। अगर शुरुआत में खरीदा है तो डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, पूरे 1 साल का। अगर एंड में खरीदा है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, यही होगा ना। तो आपका काम आसान किस में होगा, एंड में खरीदने में। तो आप नीचे नोट दोगे ऐसे सिचुएशन में, वी अज्यूम दैट मशीनरी या कंप्यूटर विल बी परचेज एट द एंड ऑफ द, और डेप्रिसिएशन मत लगाना। लेकिन अगर स्टार्टिंग में अज्यूम्शन लेते हो तो डेप्रिसिएशन लगा के 2 एंट्री करोगे, एक P&L के डेबिट में और एक इसमें से क्या कर दोगे, लेस। यही सीखा है ना हमने। तो अब डेप्रिसिएशन का अगर पॉइंट आता है तो आपको वहां पे अलर्ट रहना है, या तो डेप्रिसिएशन लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू डेट, अगर डेट गिवन है। अगर डेट नहीं गिवन तो कैसे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे, अजम्पशन ले लेंगे। तो देखो इसके नीचे नोट लिखता हूं मैं, नोट क्या लिखूंगा मैं इसमें नोट ये है मेरा, अगर आपको डेट गिवन है तो क्या करोगे, इन केस डेट ऑफ परचेज गिवन, इन केस डेट ऑफ परचेज गिवन देन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू किसके बताओ। अगर डेट गिवन है तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू डेट के। समझ में आ रहा है कैसे, 6 महीने का तो 6 महीने, 3 महीने। नोट नंबर टू, इन केस डेट नॉट गिवन तो बताओ कैसे निकालेंगे, देन वी विल अज्यूम, क्या अज्यूम करें बताओ, मशीनरी परचेज या एसेट परचेज एट द एंड ऑफ ईयर। देन अगर एंड ऑफ ईयर मान रहे तो क्या डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, देन नो नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन, देन नो नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन। क्या समझ में आया। अब मेरा एक क्वेश्चन और है, इसका जवाब देना आप। ये मेरे पास एक बैलेंस शीट है, एक मशीनरी है, मान लेते हैं 50,000 रुपए का, ये मेरा बैलेंस शीट है। तो ये पहले से मशीनरी था, मैंने लिखा वन मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 इंक्लूड इन परचेज, ये वर्ड लिखा मैंने। तो एक मशीनरी है जो कि इंक्लूड परचेज में, तो कैसे इसको ठीक करें, परचेज से माइनस कर देंगे जहां भी होगा, और यहां पे क्या करेंगे, एड मशीनरी। अब बताओ जो पहले से गीवन है इस पे तो साल का डेप लगेगा ही लगेगा, क्या इस वाले पे लगाएंगे डेप, नहीं लगाएंगे। ऐसे सिचुएशन में डेप किस पे लगाना है, ओनली 50,000 पे। अगर 10% दे रखा है तो 10%, और 5 दे रखा है तो 5%। मैंने नीचे दूसरा एडजस्टमेंट लिखा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी विल बी चार्ज 10% ऑन क्लोजिंग बैलेंस। अब मुझे जवाब दो, डेप्रिसिएशन 50 पे लगाएंगे या डेप्रिसिएशन 60 पे लगाएंगे, डेट नहीं है तो नहीं, 50 पे या 60 पे लगेगा तो है, 50 या 60 पे बताओ। देखो मिक्स आंसर 50 और 60। सबसे पहले हमें समझना चाहिए भाई क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है। अगर क्लोजिंग बैलेंस हमें पता चल जाए
तो फिर हमें पता चल जाएगा किस पे लगाना चाहिए। तो क्लोजिंग बैलेंस होता है 31 मार्च, सब कुछ जोड़ घटा करके जो बचता है उसे क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जोड़ के कितना बन रहा है, तो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज 60,000, समझ में आए। 60,000 पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर मैं बोलूं डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस वो बैलेंस होता है जिसमें कोई चीजें जुड़ा, तो फिर किस पे लगेगा। तो देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, कई बार बोलेगा डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस पे, तो समझ जाना भाई अब डेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस अगर मैं आपको यहाँ पे डेट भी दे दूं कि मशीनरी मैंने खरीदा है 30 सितंबर को, और लास्ट में बोल दूं कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा क्लोजिंग बैलेंस पे, डेट किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया क्लोजिंग बैलेंस पे चार्ज करो, तो यानी मैं 60,000 पे ही चार्ज करके उसको दिखा दूंगा, समझ में आई बात। तो क्लोजिंग बैलेंस का जब दे रखा हो तो डेट इररेलेवेंट हो जाता है, वैसे अकॉर्डिंग टू डेट। तो ये एडजस्टमेंट नंबर था हमारा 12, एसेट्स इंक्लूड इन परचेज। चलिए फटाफट से नोट करिए।